थी कि मैं इतिहास शुरू होने वाली थी और धंधे तो देती है अभी क्या हाल है अभी ये ऐसे तो छोड़े चर्च से निकाला थे ये रबर बाहर से और ये अभी खा रहे थे। चलो हाय बोलो सब तो हाय। ये लड़का ना हमें परेशान कर देता है इसलिए आज अब तो ज्योति ट्यूशन देना होगा मेरी मम्मी टीचर मजे से रहना है और उसको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बाय। यहाँ पे देखिए व्यू की पहली क्लास खत्म होने के बाद मैंने इसे नहला के बेड में बैठा दिया था। आराम से खेल रहा है। मुंह में देखा आपने इसका कितना खाना भरा हुआ है। ऐसे ही करता है ये। एक कलरों के साथ खेल रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये है यस्सू की अलमारी। इसके जो नीचे का टायर है ना एकदम से ढीला हो गया। पता नहीं क्या हुआ प्लास्टिक वाला होता है ना तो कपड़ों का ज़्यादा बाहर हुआ होगा तो वो ढीला हो गया। तो मैंने इसके पापा से मंगाया है फेविक्विक ये पीछे वाला टायर। बार बार वो निकल रहा है तो इसकी अलमारी है पीछे पीछे को गिर जा रही है तो इस वजह से मैंने इसके पापा से मंगाया था फेविक्विक। मैंने कहा इसके चारों कोनों में लगा दूंगी मैं फेविक्विक उससे वो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमने ना जब ये 2 महीने का था 1.5 महीने का था तब हम इसे लाए थे अलमारी। भी हो गई यहाँ पे क्लास खत्म। मैं इसका बॉक्स वगैरह समेट लूंगी। वैसे तो ये रख लेती है फिर भी मुझे एक बार चेक करना होता है इसमें। खराब वो टूट चुका था। टूटा नहीं था बस उसको जो स्प्रिंग होता है वो ढीला पड़ गया था तो इसी वजह से मैंने इसके पापा से मंगाया था फेविक्विक उससे मैंने उसको जोड़ के लगा दिया। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँगी लेकिन इसकी क्लास चली थी फ़ोन में तो मैंने फटाफट से कर दिया था। अभी हो गया बिल्कुल ठीक। ये सोया है फटाफट से धोऊंगी। कपड़े भिगा रखे हैं इनको भी मैं फटाफट से साफ करती हूँ। और ये दोनों हैं अंदर यहाँ पे लेटी हुई है इसके लिए चला दूंगी थोड़ी देर टीवी। यसु अभी सोया है। मैंने अपना कमरा भी इसकी क्लास चल रही थी तो मैंने साथ साथ ही फटाफट से अपना कमरा भी साफ कर लिया था बेड वगैरह झाड़ना क्योंकि सुबह जब हाउस हेल्पर पर आती है तो बेड में उस समय बच्चे सोए रहते हैं बिस्तर में तो इस वजह से मैंने बाद में जब मैं बिस्तर वगैरह झाड़ती हूँ तो उसके बाद फिर झाड़ू दूध डाला लगाना पड़ जाता है। इसी वजह से अब मैं इसके लिए जला दूंगी यहाँ पे टीवी। सोएगा या टीवी देखेगा? क्यों तुझे तो नींद आ रही थी। ठीक है सो जाना। आज सुबह जल्दी उठ गया था ना अभी सो जाना ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे टीवी के अलावा परिवार के बच्चों की भी पढ़ाई राज्य सरकार मुफ्त करवाएगी। यही नहीं हर महीने ऐसे परिवारों को सरकार की तरफ से राशन भी दिया। चलिए पहले चलते हैं बाहर। यहाँ पे आजकल मौसम रोज मौसम खराब है। आज भी देखिए पूरे बादल लग रखे हैं छींटे मीटे पड़ने की
हो गई है, पूरे बादल लगे हुए हैं। ये मैंने डाले थे सुबह कपड़े, ये कपड़े मेरे सूख चुके हैं। अब मैं उठा लूँगी सारे कपड़े। आप थोड़ी देर इन पहाड़ों को देखिए, कितने अच्छे लगते हैं ना जब साइड में ऐसे पहाड़ दिखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए पहले मैं उठा लेती हूँ कपड़े। अब मैं यहाँ पे कपड़े तह करके अपने अपने जगह में सबके कपड़े रख दूँगी। ऐसा होता है ना जब कपड़े सूख जाते हैं उठाओ तो फिर उसके बाद लगे हाथ अगर तह हो जाए तो ना सही रहता है, नहीं तो ऐसे ही रखो तो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। मुझे तो बहुत ही आलस आता है कपड़े तह करने में। कपड़े वगैरह मेरे डल गए थे, ये दोनों भी साथ ही में बाहर आ गए थे। देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, यहाँ पे बनी है दाल। और ये बना है चावल, सलाद। चलिए मैं लगा लेती हूँ बच्चों का खाना। खाना पीना हमारा हो गया है, अब किचन हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये देखिए यसो इतना शैतान हो रहा है। ये देखिए हमारे कटोरी गिलास वाला जो हमारा रैक है उसमें से सारा खाली करके हमें इसमें भर के रखे हैं हमने, इसमें से निकाल के हम अब यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा परसों, आपने देखा होगा इसके नाक में निशान जैसा हुआ है, तो इसी
इसी से इसके नाक में निशान हुआ था, कटोरी से ही, कटोरी लेके आ रहा था एकदम से यहाँ पर लग गया, उसी से निशान हो गया था, इसलिए हमने यहाँ से हटा के उसमें रख दिए हैं, वहीं से हम यूज कर रहे हैं। अब हमने लकड़ी वाले से यहाँ पे दरवाज़ा लगाने को कह रहे हैं, देखो उसके बाद क्या होता है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, अब हम थोड़ी देर सो जाएंगे, देखते हैं यस्सू सोता है नहीं सोता है, जब वो सोएगा तभी मुझे सोने को मिलता है, देखते हैं। यहाँ पे हो गई थी शाम, थोड़ी देर बच्चे भी और इनके पापा भी छत में टहल रहे हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, आज हमने मलाई बाहर निकाली थी तो इस वजह से मलाई बनाई थी, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी घी, और बच्चों के लिए रखा था मैंने दूध गर्म करने, और यहाँ पे अंडे रखे थे बॉईल करने। आज मैं बना रही हूँ अंडे की सब्जी। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज और लहसुन बारीक बारीक काट लिया है, और तीन चार मैंने हरी मिर्चा काट ली है। आज मैं आपको दूंगी अंडे की रेसिपी, जैसे काट के अंडा बनाते हैं ना जो वो, और यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। अब मैं एक कटोरी में ले लूँगी हिसाब से जितना हमें मसाला लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने ले ली है मिर्चा, बहुत कम कलर के लिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च काट के रख रखी है इसी वजह से। और यहाँ पे मैं ले लूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हम ले लेंगे जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर है। इसी के साथ हम नमक भी ले लेंगे, नमक को भी हम थोड़ी देर के लिए, ये मसालों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगाना होता है, थोड़ी देर के लिए मैं भिगाने को छोड़ दूंगी। अब इनको हम सब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, दोबारा से हम इन इसे अच्छे से मिला लेंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए हम मसाले भीगने को छोड़ देंगे। कभी भी आप देखिएगा कि जैसे आप मसाले भिगा के बनाते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो सब्जी मैं बता रही हूँ आपको, ये अंडे की ना जो काट के बनती है, ये अच्छे से भिगा के ही मसाले बनाए तो टेस्टी बनती है। यहाँ पर मेरे अंडे उबल चुके हैं, मैंने गैस बंद कर लिया है। अब अंडे को मैं एक टोकरी में रख दूंगी अलग, गर्म पानी से निकाल के। यहाँ पर मैं बीच बीच में घी को भी देखती जा रही थी ना, फिर नीचे से जलता है तो टेस्ट भी बिगड़ जाता है, और सारा घी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो नीचे से काला काला जैसा नहीं लग जाता जल के, तो इसी वजह से मैं बीच बीच में इसे भी चलाती रहूँगी। यहाँ पर मेरे बच्चों का दूध हो चुका था गर्म, और मैं दे दूँगी इनको दूध।
यहाँ पे मैं दे दूँगी पहले पीहू को। पीहू को पहले इसलिए देती हूँ मैं क्योंकि पीहू को पकड़ा क्या हो तो वो अपने आप ही पी लेती है। उसके बाद यस्सू को तो अपने हाथ से पिलाना पड़ता है ना, इसी वजह से जब मुझे फिर थोड़ी देर में टाइम होता है फिर मैं उसको पिला लेती हूँ आराम से बैठ के। देखिए यहाँ पे मैंने ले ली थी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने सरसों का तेल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हम। यहाँ पे मैंने देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने अंडा काट लिया है, ऐसे ही हमें अंडा काटना है छोटे छोटे पीसेस में। तेल हमारा गर्म हो चुका है। जब तेल हमारा सरसों, अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना तो उसे अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, नहीं तो अजीब सी महक आती है, खाना भी पूरा ख़राब बनता है। यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था लहसुन और प्याज, इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, 2-3 सेकेंड के लिए हम हरी मिर्च को भी भून लेंगे। हरी मिर्च और प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम डाल देंगे जो हमने मसाले भिगा के रखे थे कटोरी में। मसाले डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला लेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है, चाहे 1-2 मिनट ही क्यों ना लग जाए, हमें अच्छे से भूनना है। इसे तब तक भूनना है जैसे आपको एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी ना मसालों की, जैसे हम धनिया पाउडर वगैरह भूनते हैं तो कितनी अच्छी सी खुशबू आती है, वैसे ही खुशबू आएगी आपको, ये खुद में ही तेल छोड़ने लग जाएगा। तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है क्योंकि नीचे से भी लगने लगा है ना, जैसे ये नीचे से लगेगा ना आप इसे करछे से निकालते रहिए फिर अच्छे से तेल छोड़ देगा। तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने अंडे काट के रखे थे। मसाला हमारा यहाँ पे देखिए भुन चुका है, इसको आप ना सिम फ्लेम पे मत भूनिएगा, जैसे आपकी आँच तेज होगी ना तभी आप इसे भूनिएगा, क्योंकि हम चलाते रहते हैं ना तो इसी वजह से इसे फुल फ्लेम पे ही भूनिएगा। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें अंडे जो हमने अंडे काट के रखे थे, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भुनने देंगे। ढक्कन लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पे, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे गर्मियों में तो खैर वैसे भी कम ही खाना चाहिए, लेकिन जाड़ों में जैसे हमें नॉनवेज खाना ही चाहिए, इतना ज़्यादा ठंडा होता है, तो इस वजह से तो जो लोग कोई क्या करते हैं अंडा खाते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा, अंडे की बहुत ही टेस्टी बनती है और ऊपर से गर्म भी बहुत होती है ये। और साथ में ही देखिए मैं घी भी बनाते जा रही थी, थोड़ी देर इसको मम्मी ने फुल गैस पे चला लिया था तो इस वजह से ये जल्दी निकल गया था। अब 1 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देखेंगे, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, भुन गया है, मसाले वगैरह भी अच्छे से अंडे में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आप बिल्कुल भी ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी ही डालिएगा इसमें, पानी बॉयल कर लीजिएगा फिर डालिएगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अब हम सारा मिक्स कर लेंगे, हमने डाल दिया है इसमें बॉयल वाला पानी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिएगा, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, मैंने अपने हिसाब से बना रखा है।
अपने आपको पतला चाहिए, लटपटा या गाढ़ा जैसा भी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी क्योंकि दो तीन मिनट के लिए हमें इसे पकाना ही पड़ता है, तो उसी में थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी है वो कम हो जाएगी। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हम गैस को हाई फ्लेम पे ही रखेंगे एक उबाल आने तक। अब इसे हम ढक देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा घी भी बन रहा है। इसमें आ चुका है उबाल। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया आप बहुत डालिएगा, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा डालना है, अच्छा खासा हरा धनिया इसमें पड़ता है। इससे आता है इसमें एक अच्छा सा टेस्ट। हरा धनिया आपको इसी समय डालना है जब उसमें उबाल आ जाएगा, क्योंकि हरा धनिया भी इसके साथ पकता है तो उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अब मैं कर दूँगी इसको मीडियम फ्लेम पर और ढक्कन लगा के हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। जो ऊपर से झाग जैसा हो रहा है ना वो नहीं रहना चाहिए बाद तक। घी हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी थी, घी भी बन चुका था, तो इसी वजह से मैं यस्सू को पिला लूँगी दूध। देखो इसको कितनी खुशी हो रही है दूध पीने के लिए। बेचारा कब से सोच रहा था, मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ का काम निपटा दूँ उसके बाद ही मैं इसको दूध पिलाऊँगी। इससे बोलो ना हाय बोलने को, कितना खुश होता है हाय बोलने को। सब्जी हमारे यहाँ पे बन चुकी है। देखिए ऊपर से जो वाइट वाइट झाग जैसा दिख रहा था ना आपको, वो सारा ख़त्म हो चुका है। सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई। गैस हम कर देंगे यहाँ पे ऑफ और ढक्कन लगा के हम इसे ढक के रख देंगे। अब मैं यहाँ पे घी को छान लूँगी। जो मेरा घी का कंटेनर है उसमें मैं घी छान के रख दूंगी। अगर फिर मैं इसे ऐसे रखूंगी ना फिर ये जम जाएगा, फिर मुझे दोबारा गर्म करना पड़ेगा, इसीलिए लगे हाथ इसका भी मुझे काम करना पड़ता है। देखिए घी मैंने यहाँ पे छान लिया है और जितना थोड़ा सा बचा था वो मैंने जो मैं डेली यूज के लिए जो यूज करती हूँ ना घी, उसमें डाल दूंगी मैं। और दूसरे वाला डब्बा मेरा भर चुका है, उसको मैं अलग रख दूंगी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। खाना खा के जब हम रात में ऊपर आ गए थे तब आई थी यहाँ पे बजरंगी मूवी। इसको देखो कितने मज़े से देख रहा है ना बजरंगी मूवी। ये मूवी है भी इतनी ही अच्छी, कभी कभी बच्चे कितने अच्छे से देखते हैं ना, मतलब बच्चों की पसंद की मूवी आई हो तो बच्चे बड़े अच्छे से देखते हैं। यहीं तक थी मेरी वीडियो। बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर